हेलो एवरीवन, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। आई होप ये स्टोरी आपके दिल को जरूर छुएगी। ये बहुत समय पहले की बात है, अबाउट 60-70 ईयर पहले की बात है। एक यूपी के प्रतिष्ठित, आप गांव कह सकते हैं या कस्बा, वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता था। एक बहुत ही अच्छा परिवार था, जो उस टाइम में बहुत उनको संपन्न कहा जा सकता है। उस टाइम के बहुत संपन्न लोग थे वो। उनके यहाँ उस टाइम आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग जैसी बातें नहीं थी, तो बहुत बच्चे हुआ करते थे, कितने भी हो जाएं, भगवान की मर्जी। तो उस परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ और भाग्य से उनके जो भाई थे या लड़की के जो मामा जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया। वो उनसे मांगकर वो अपने साथ ले गए और उस बच्ची का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया, उसका पढ़ाया लिखाया उसको। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी अपनी वो बच्ची नहीं थी, अगर वो मामा ही रहते तो शायद लगाव दूसरा होता, लेकिन वो पेरेंट बनने के कारण ना तो वो मामा ही रहे और ना ही माता पिता ही ठीक से बन सके वो, क्योंकि वो प्यार, वो फीलिंग उनके अंदर आई नहीं जो एक माता पिता में होती है अपने बच्चे को लेके। और दूसरा ये भी था कि जो उनके और भी भाई थे, उनको ये भी डर सताने लगा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इनका अपना तो अपनी संतान तो है नहीं, कहीं ऐसा ना हो इस लड़की को सब दे दे, ये डर भी सताने लगा। ऐसे वो बच्ची बड़ी हो गई और उसने 12th पास किया। बहुत होशियार थी, न्यायप्रिय थी, समझदार थी। उस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर इतना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी वो बहुत अच्छा परिवार था, इसलिए वहाँ पढ़ाई लिखाई को उस जमाने में ही महत्व था वहाँ पे, और 12th करना भी उस टाइम लड़कियों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। 12th किया उसने, उसका एक पास ही के गांव में थोड़ी दूर पर, मान लीजिए शायद 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रहा होगा, वहाँ उसका विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया गया। शायद वो किस्मत की इतनी धनी नहीं थी। शुरुआत में जैसा कि होता है, उस टाइम शायद बहुओं को इतना महत्व नहीं था और उसकी भी उस परिवार में कोई बहुत ज़्यादा उसे इज्जत, मान सम्मान या प्रेम नहीं मिला, जैसा कि होता है, लड़कियों को उम्मीद होती है, नहीं मिला उसे उतना। पति से भी शायद उतना उसे वो सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। खैर, दिन गुजरते गए। जैसे एक एज पर सपने होते हैं, वो दंपत्ति के भी अपने सपने थे। उस लड़की का पति एक अच्छी नौकरी पाना चाहता था, भाग से उसे एक नौकरी मिली भी, पर उनके पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा तो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। खैर, उन्होंने उस नौकरी को उसे नहीं करने दिया। फिर उसके सपने थे कि चलो मैंने नहीं की, हमारी पत्नी के ही सपने पूरे हो जाए। बिना बताए चिताए घर में अंदर आराम, नौकरी का उसका इंतजाम सब कुछ हो गया। अब जब नौकरी ज्वाइन करनी थी तब तो बताना ही पड़ा। जब बताया गया तो बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ और उनके पिताजी ने कहा, देखो ऐसा है कि हमारे, अगर हमारी बहू घर से बाहर नौकरी करने जाएगी तो इससे अच्छा तो मैं मरी जाऊँ, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। खैर, वो भी नहीं हुआ, उस सपने को भी उन लोगों ने छोड़ दिया। समय गुजरता रहा, बच्चे हो गए अपने, उसमें टाइम निकलता रहा। अब हालत ये थी कि पति कुछ करता नहीं था और बस उनके पिताजी थे, उन्हें स्वर्ग की तलाश थी, तो वो अपना पूजा पाठ में मस्त रहते थे, अपने बेटे को भी वही
उसी रास्ता पे ले गए कि चलो स्वर्ग मिलेगा, तो भगवान को मनाओ, पूजा पाठ करो, जिंदगी में और है क्या। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, संपन्नता थी घर में। पर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके भविष्य की भी चिंता होती है, पर उन्हें उससे भी कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। उनका था जिंदगी जैसे अपनी कटी है, सबकी कट जाएगी। खैर, जब उस लड़की के जब मान सम्मान पर आने लगी, अब तो जब जिसका पति कुछ करता नहीं हो तो कोई कुछ भी कहता है। बच्चे हो गए, बच्चे थोड़े छोटे छोटे ही थे। फिर उसने एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होके, दुखी होके ये फैसला किया कि चलो इस गांव को छोड़ देते हैं। पति से कहा, पति ने साथ नहीं दिया। उसने कहा, जहां तुम्हें जाना है जाओ, जो करना है करो। वो घर से निकली और अपने माता पिता के यहाँ अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को लेकर आ गई। माता पिता के लिए भी वो पराई थी, जब जिन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था। कोई बहुत लगाव नहीं था। फिर उसने जैसे तैसे कुछ अपना पढ़ाना लिखाना शुरू किया, काम धंधा शुरू किया, जीवन चलता रहा, किसी तरह से खुद को संभाला, बच्चों को संभाला। समय गुजरता रहा, बच्चे थोड़े बड़े हो गए और दुर्भाग्य से कुछ समय बाद वो उसको कैंसर हो गया और एक लंबी बीमारी के बाद नहीं रही। उन्हें ना तो बचपन में माता पिता का सुख मिला, ना जवानी में परिवार का, और ना ही बुढ़ापे में बच्चों का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे बड़े सही निर्णय नहीं करते हैं तो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। जिंदगियां ही क्या, ये जनरेशन बर्बाद हो जाती है, कई जनरेशन बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपका हर एक फैसला, हर एक निर्णय आपकी आने वाली कल के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गलती किसी एक की होती है, पर सजा कईयों को भी मिलती है, कई जनरेशन तक सजा मिलती है। भगवान जब जहां जिसे एक अच्छी समझ दे, उसे अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी मैं खत्म करती हूँ आज। थैंक यू।